सवेरे शटर खोला ही था जी, हमारे दूध वाला भी आ जाता है उस टाइम, ये शटर खोल लिया, वो दूसरा शटर खोलने जा रहा था वो, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई यहाँ पे, तो आके रुकी, दो मिनट खड़ी भी रही, ब्लैक शीशे थे, ब्लैक स्कॉर्पियो थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं वैसे एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, मैं भाई कोई ग्राहक होगा या कोई है, तो फिर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, वो कोई नहीं जैसे उतरा, दो मिनट खड़ी होके फिर वो गाड़ी बैक हुई, बैक हो गए हमारे दूसरे शटर पे, उसमें दो फायर किए। हरियाणा एक जरार देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। भाई फिलहाल मैं सांपला में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप जो दुकान देख रहे हो सांपला की मशहूर दुकान है सीताराम हलवाई की दुकान। यहाँ पे आज सुबह सुबह एक वारदात को अंजाम दिया गया है, फायर किए गए हैं सुबह सुबह, जिस टाइम पे जो दुकान के जो ओनर है वो दुकान को खोलने लग रहे थे सुबह, उस टाइम पे यहाँ पे जो है कोई गाड़ी आई है ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो बताई गई है, और उसमें से जो जो लोग थे उसमें उन्होंने यहाँ पे दुकान पे फायर किए हैं, और दो फायर बताए गए हैं हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है गोहाना में, जो गोहाना का मशहूर हलवाई है माथुराम हलवाई, वहां पे भी लगभग 40 राउंड फायर किए गए थे, और लगभग 2 करोड़ की फिरौती का मामला जो है वहां पे सामने आया था। अब यहाँ पे क्या कुछ मामला है वो जो है हम एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या कुछ घटना हुई है और किस वक्त हुई है। और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी जो है यहाँ पे दी गई है, जो प्रशासन के जो जवान है वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं, और ये जो यहाँ के ओनर है आप देख सकते हैं, ये इनका लड़का है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुनील कुमार। आप इनके सीताराम जी के क्या लगते हैं? मैं उनका पोता हूँ जी। इनके पोते हो आप? हाँ जी। क्या कुछ घटना हुई, थोड़ा इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, क्या कुछ घटना हुई है आज सुबह यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे मौके पे मौजूद थे? हाँ जी। क्या कुछ हुआ है? मैं सवेरे शटर खोला ही था जी, हमारे दूध वाला भी आ जाता है उस टाइम, ये शटर खोल लिया, वो दूसरा शटर खोलने जा रहा था वो, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई यहाँ पे, तो आके रुकी, दो मिनट खड़ी भी रही, ब्लैक शीशे थे, ब्लैक स्कॉर्पियो थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं वैसे एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, मैं भाई कोई ग्राहक होगा या कोई है, तो फिर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, वो कोई नहीं जैसे उतरा, दो मिनट खड़ी होके फिर वो गाड़ी बैक हुई, बैक होके हमारे दूसरे शटर पे उसने दो फायर किए। अच्छा। हाँ, बंद था वो शटर? हाँ वो शटर बंद था, अभी खोला ही नहीं था, बस खोलने गया था वो खोलने लगा था जैसे ही, तो एकदम पहले ही दो फायर हुए, तो बस फिर वो दो फायर करके अपना सीधी निकल गई गाड़ी। आप यहीं पे थे उस टाइम पे? मैं यहीं बाहर ही था। यहीं पे जो फायर हुए, फिर आप भागे या फिर यहीं? नहीं, यहीं पे ही था मैं, यहाँ कोने में हो गया एकदम, मैं इधर खड़ा था, फिर कोने पे हो गया एकदम, आवाज सुन तो उन्होंने कुछ बोला भी है जैसे फायर करने के बाद? कुछ कुछ नहीं बोला जी। अच्छा, पहले क्या कभी कोई ऐसी बात हुई है किसी के साथ, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से कोई रंजिशन, मतलब इस तरह की घटना को अंजाम दिया? ऐसी कोई बात नहीं, कोई कुछ दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह किसी के साथ दुकान पे कोई कुछ हुआ वैसा? नहीं जी, ऐसा कुछ। कितने बजे खोलते हो दुकान आप? दुकान सुबह 6:20 पे खोल देता हूँ मैं। तो उसी टाइम डेली यही टाइम रहता है? हाँ हाँ, डेली यही टाइम। और शाम को कब तक? शाम को हम 7:45 चले जाते हैं बस। मतलब पहले आपको कोई अंदेशा नहीं था कि भाई इस तरह की वारदात हो सकती है? कोई अंदेशा नहीं, कुछ पता नहीं। अभी इसी तरह की घटना आपको, आपने सुनी होगी गोहाना में माथुराम हलवाई के, वहाँ पे भी जो है 40 राउंड फायर हुए हैं। हाँ जी, वो सुना था आपने जिक्र? सुनी थी जी। तो वहाँ पे फिरौती वगैरह का कोई मैटर था, फिरौती वगैरह मांगी गई? बता रहे थे जी, सुना था। तो यहाँ पे जैसे मैं बताना चाहूंगा, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो हमें जो पता लगा है कि यहाँ पे भी एक पर्ची मिली है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पर्ची मिली है जिसमें 1 करोड़ की फिरौती का जो मामला जो बताया गया है, और जो कुछ जो गैंगस्टर हैं, शायद ये नाम भी उन्हीं का होगा जो माथुराम हलवाई गोहाना वाला जो मैटर था, वही नाम उस पर्ची में जो बताए गए हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। तो क्या कुछ था पर्ची जो है वो मिली है, किसको मिली है, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था? पर्ची तो हमें नहीं मिली जी, पर्ची तो यहीं पड़ी हुई थी, फिर हमने जैसे देखा तो 112 पे कॉल कर दिया हमने, तो वो आए, वही वो खोल पड़ा था, गोली का खोल पड़ा था जो भी है, अंदर भी बट पड़े थे, तो भी उठाए उन्होंने, और पर्ची भी उन्होंने उठा के ले गए थे वो। मतलब आपने नहीं छुआ उसको? नहीं, हमने नहीं छुआ जी। तो आपको बताया फिर जो है पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी जो आए थे, उन्होंने बताया कि पर्ची में क्या कुछ लिखा हुआ है, किसका नाम है? हमें कुछ नहीं बताया। आपको नहीं बताया कुछ? जी, ये आपके पिताजी हैं जी, आपके चाचा है जी। नमस्कार जी। आगे थे हमें तो किससे क्या क्या बात भी चल, और दिमाग भी ऐसा हो जाता है जी। तो
तो अभी जो है आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अभी FIR दर्ज करा दी है, इन्वेस्टिगेशन पे है सब। देखो प्रशासन ने सिक्योरिटी बिठा दी हमारे लिए। अभी आप SP साहब से मिलके आए हो, क्या आश्वासन दिया है? वही बातें हुई यहाँ पे भी, जो यहाँ पे चौकी में हुई बात, वही बात हुई है। अरे हमने लगा रखी है सब टीमें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपना काम करो, जैसे काम कर रहे हो अपना काम करो, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, ये बात देखो, घबराहट तो होती है भाई इस तरह की। कोई भी जो काम धंधे वाले जो लोग हैं भाई, सुबह अपने काम पे जो आ जाते हैं, और दुकानदारी है, और यहाँ पे जब इस तरह से जो इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे के जाता है, तो डर तो देखो स्वाभाविक है। बिल्कुल जी, डर तो, दहशत तो बनी होती है बंदे को, पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्या कर ले कोई। डर तो होता ही है अंदर से। तो भाई आप देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा निशान जो आप बता रहे थे आपके चाचा जी, वहाँ पे एक निशान जो है लगा हुआ है। क्या उधर अंदर आ सकते हैं? उधर जी, तो आइए मैं आपको, कहाँ से है रास्ता अंदर आने का? उधर से आइए। वो जो निशान जो हुआ है, जो फायर जब किया गया है, तो जहाँ पे जो गोली का जो निशान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। आइए आप मेरे साथ, कैमरामैन को कहूंगा आप आइए साथ साथ। और कहाँ पे बता रहे थे आप अंकल जी? ये रहे। ये निशान एक बार दिखाओ। ये ऊपर जो सामने आप जो दो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो उधर से फायर हुआ है, एक निशान ये है, और यहाँ से स्लिप हो रखी है। तो जो गोली है वो स्लिप हो रखी है ना, स्लिप हो रखी है ऊपर छत से, दो बार यह टकराई है। और उधर से सामने से ये स्टर्बन था, उस स्टर से पार होके उसमें भी छेद हो रखा होगा ना, तो वहां से उसमें से पार होके, और दो बार जो है जो बुलेट है वो यहाँ पे टकराई है। पहले यहाँ पे टकरा रखी है और उसके बाद यहाँ पे। तो अभी आगे भी कोई निशान था या यहीं तक थे जी? और दो फायर हुए हैं, तो दूसरा जो है वो बाहर की तरफ हुआ है। बाहर ही हुआ है, शटर को लग के वापिस चली गई गोली। तो कितने आप जो बंदे थे सुबह, कितने लोग थे यहाँ पे दुकान पे? कारीगर कितने थे? कारीगर तो अभी कोई आया नहीं था, मैं आया था, एक दूध वाला था, एक मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा था अंदर। जैसे हम रूटीन में रोज शुरू होता है काम, वैसे ही आए थे हम। अभी तो आए थे घर से, अभी तो दुकान भाई खुलनी शुरू हुई थी, तो फिर उसके बाद ही जो है आपने डायल 112 पे कॉल किया। हाँ, डायल 112 पे किया हमने, उसी टाइम वो सब आ गए थे। जो पुलिस की टीम है कितनी देर में पहुंच गई थी? उसी टाइम ही आ गई थी, 10 मिनट के अंदर अंदर जी। और जो गाड़ी है जो यहाँ से वो फायर करके वो लोग निकले हैं, तो किस साइड निकले वो यहाँ से? वो तो यहाँ से सीधे चले गए जी, खरखोदा रोड की तरफ, सीधे सामने टी पॉइंट। अब ये नहीं पता वो इस बीच में से कई रास्ते निकलते हैं, कहाँ गए कहाँ नहीं है मैंने नहीं देखा। अच्छा, गाड़ी का कोई नंबर वगैरह कोई नोट करने की कोशिश की? पीछे कोई नंबर ही नहीं था जी, कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी, पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। आगे कोई हो तो हमें पता नहीं, वो क्यों लाइट जल रही थी, ध्यान ही नहीं गया उस साइड। उसमें वैसे भी दिल घबरा जाता है। बिल्कुल भाई, साथ के साथ जो है जो फुटेज है, जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, आइए वो भी दिखाते हैं हम आपको साथ के साथ।
तो अंकल जी, जिस तरह से गोहाना में जो घटना हुई थी, वहां पे भी एक हलवाई है जो मथुरा हलवाई, उसको ही टारगेट बनाया गया था। यहाँ पे भी सीताराम हलवाई की दुकान को टारगेट बनाया गया है, क्या है? मतलब हलवाइयों के पीछे मतलब क्यों लगे हुए हैं? हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, उनके लोगों की क्या मंशा है? पहले कभी आप काफी उम्र हो चुकी है, पहले कोई वारदात नहीं? कोई वारदात नहीं हुई, पहले कभी नहीं हुई। नॉर्मल एक तरीके से आप दुकानदारी कर रहे हो? हाँ हाँ, नॉर्मल से तरीके। पहली घटना है ये आपकी? हाँ जी, हाँ जी जी। तो भाई, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने लग रही हैं, अब इनके पीछे किसका हाथ है? जिस तरह के जो पर्चियों में जो नाम लिखे जाते हैं, क्या वाकई में उन लोगों का हाथ है, या फिर ये दहशत फैलाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप लोग जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत, इस मामले में कोई और कार्रवाई होती है तो वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हरियाणा 1008, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।